केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की एक जनसभा में यूं ही नहीं वहां के लोगों को अयोध्या का टिकट कटाने के लिए कह दिया। अमित शाह ने जब ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका होगा, तो उसके पीछे शाह को दी गई जानकारी थी, जिसमें उल्लेख था कि तय वक्त से पहले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर निर्माण की कमेटी और कार्यदायी संस्था से जुड़े सदस्यों का कहना है कि सब कुछ वक्त से पहले ही चल रहा है, सब कुछ टाइम के मुताबिक चलता रहा तो 14 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर पूरे देश और दुनिया के भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। तय अनुमान के मुताबिक अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर को अगले 8 महीने के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य बताते हैं कि रामलला मंदिर का निर्माण वक्त से पहले पूरा हो जाएगा। वह कहते हैं कि अमित शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा में जो ऐलान किया है, उस तारीख में गगनचुंबी रामलला का मंदिर अयोध्या में पूरे विश्व को खड़ा हुआ दिखाई देगा। दरअसल राम मंदिर को लेकर प्रयास पहले से लगाए जा रहे थे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी संस्था के सूत्र बताते हैं कि मंदिर निर्माण की जिस तरीके से तेजी चल रही है, उससे तय वक्त से 3 महीने पहले ही मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर के बनने से भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में न सिर्फ आसानी होगी, बल्कि अपने उन तमाम वादों में से एक यह वादा भी जनता के समक्ष भाजपा रख सकेगी, जो उन्होंने कहा था वह भी करके दिखा दिया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा शुरुआत से ही अपना अलग रुख रखती रही है। गुरुवार को त्रिपुरा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने राम मंदिर का ही जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। बाबर से लेकर कांग्रेस की सरकार तक पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा कि यह मामले को सिर्फ कोर्ट की गलियारों में लटकाते रहे, लेकिन अब फर्क साफ दिख रहा है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर की गगनचुंबी इमारत अयोध्या में बनकर खड़ी मिलेगी। राम मंदिर निर्माण से जुड़े जिम्मेदारों के मुताबिक अगले 9 से 10 महीने के भीतर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। योजना के मुताबिक दर्शन तो दिसंबर से ही होने हैं, लेकिन राम मंदिर में रामलला की स्थापना का जो संयोग बन रहा है, वह सूरज के उत्तरायण में आने से ही पूरा होगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की स्थापना का मुहूर्त फिलहाल 14 जनवरी को माना जा रहा है। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में आएंगे और उसी के साथ पूरी दुनिया के लिए अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू होने का अनुमान है। राम मंदिर निर्माण कमेटी से जुड़े एक अहम सदस्य बताते हैं कि कोशिश तो यही है कि पूरे राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भक्तों के लिए रामलला के दर्शन शुरू करा दिए जाएं। हालांकि उनका कहना है कि अगर मंदिर का निर्माण उस दौरान पूरा होता है जब सूर्य दक्षिणायन में होंगे, तो संभव है कि रामलला को गर्भगृह में विराजित ना किया जाए। इसके लिए सूर्य के उत्तरायण में होने का इंतजार किया जा सकता है। 14 जनवरी 2024 को जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आएंगे, तभी शुभ मुहूर्त देखकर रामलला को गर्भगृह में विराजित कर देश और दुनिया के भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि कमेटी से जुड़े उक्त वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि यह तभी होगा जब राम मंदिर का निर्माण सूर्य के दक्षिणायन में होने के दौरान ही पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, तो तय योजना के मुताबिक ही 2023 के अंत से पहले ही रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।